उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी रहे ओपी सिंह डीजीपी के तौर पर खुद को आवंटित सरकारी आवास का मोहर रिटायर होने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे। वहीं यूपी के वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को ओपी सिंह के इस बंगला प्रेम के कारण आवास नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी ओपी सिंह 31 जनवरी 2020 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के एक महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी वह अपने सरकारी आवास में काबिज हैं। यूपी के आईपीएस अफसरों में इस बात को लेकर काफी चर्चाएं हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को नया सरकारी आवास आखिर कब तक मिल पाता है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो क्रेसी से एक बड़ी खबर आई है। आपको हम बता दें कि पूर्व डीजीपी ओपी सिंह रहे 31 जनवरी को रिटायर्ड हो चुके हैं। नए डीजीपी 1 फरवरी को उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद हम बता दें कि इस समय जो हम खड़े हैं ये आवास है, डीजीपी का आवास है। डीजीपी पद पर रहते हुए इस आवास में रहते हैं, लेकिन 31 जनवरी को किसी रिटायर होने के बाद में आज तक इस बंगले में रह रहे हैं। उनका मोह है जो नहीं भंग हो पा रहा है, और नए डीजीपी का कहना है कि अभी तक आवास उनको नहीं अलाट हो पाया है। ये चर्चा प्रदेश में बनी हुई है। अब आखिर में देखना ये है कि नए डीजीपी हितेश जी को कब तक आखिर में सरकारी बंगला उपलब्ध करा पाएगी। लखनऊ से समाचार टुडे के लिए ज्ञानेश वर्मा की रिपोर्ट।